वैक्सीन शेड्यूल में भी पहुंच चुकी है, जिसे भंडारण केंद्र पर रखा गया है। वहीं प्रशासन द्वारा इसे लगाने की तैयारी के पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं। वैक्सीन कंधे पर स्थित डेल्टॉइड मसल पर इंट्रा मस्कुलर लगाया जाएगा। इस वैक्सीन को दो खुराक लगाने पर कोर्स पूर्ण होगा। पहली खुराक लगाने पर 28 दिन बाद दूसरी खुराक लगाई जाएगी। डॉक्टरों के मुताबिक दूसरी खुराक के 14 दिवस के बाद एंटीबॉडी शरीर में सक्रिय हो जाती हैं और यह एंटीबॉडीज बीमारी के बचाव हेतु प्रतिरोधक का काम करती हैं। 18 वर्ष से कम उम्र एवं गर्भवती महिलाओं को छोड़कर सभी को यह वैक्सीन लगाना चाहिए। टीकाकरण के पहले चरण के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यरत फ्रंटलाइन वॉरियर्स जैसे कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, सफाईकर्मी, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ एवं चिकित्सक, शासकीय एवं प्राइवेट तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारी का टीकाकरण किया जाएगा। वैक्सीन शासन द्वारा निर्धारित दो अस्पताल, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला चिकित्सालय में लगाया जाएगा। कोविन पोर्टल पर पूर्व से पंजीकृत लाभार्थियों को भी यह वैक्सीन लगाया जाएगा। अर्थात टीकाकरण के लिए आवश्यक है कि पूर्व में कोविड पोर्टल पर पंजीकृत किया जाए एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अप्रूवल दिए जाने पर ही टीका लगाया जाएगा। डॉक्टर साहब, अपने आज कोरोना वैक्सीन आ गई है, कितनी वैक्सीन आई है और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं पर इसके लिए? हमारे जिला वैक्सीन स्टोर में भी कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड प्राप्त हुई है, जिसकी 794 वायल्स यानी कि 7940 डोज हमको प्राप्त हुआ है। और हमें अभी 16 तारीख को जिले में दो जगह सत्र आयोजित करने हैं, जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज। कितने लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी? अभी जो हमको शुरुआती गाइडलाइंस प्राप्त हुई है उसके अनुसार इन 7940 डोज का हमको 90% उपयोग करना है दो डोजेस के लिए, यानी कि लगभग 3500 लोगों को हम इन वैक्सीन से वैक्सीनेट करेंगे। ये सबसे पहले किन लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी? जिला अस्पताल और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मचारियों को, और इसमें सभी लोग शामिल होंगे, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड्स, सभी लोग शामिल होंगे दो संस्थाओं के। ओके, थैंक यू।